कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है कि नए वर्ष में लगाएंगे, जिस दिन आप लगा देंगे वही नया वर्ष है। बस इसके लिए हम लोगों ने सबको संकल्प दिलाया, खुद भी किया, सबने संकल्प लिया, पूरे विश्व से लोग आए। अब देखिए परमार्थ में कितना, गंगा का प्रवाह कितना प्यारा है, क्यों नहीं हर घाट पे ऐसा हो सकता है। जिस तरह से परमार्थ निकेतन में योगा मनाया जाता है, उस योगा की चर्चा पूरे विश्व भर में होती है, आगे मार्च में योगा होने वाला है, तो क्या उसको योगा को लेके क्या कुछ खास होने वाला है इस बार? निश्चित रूप से हमारे यहाँ तो पूरे विश्व से पिछली बार 101 देशों से लोग आए थे, और अगली बार मेरा पूरा विश्वास है कि 108 देशों से लोग इस बार 2018 में आएंगे। और इसके लिए हम पूरे विश्व को आमंत्रण दे रहे हैं, पूरा विश्व आए, गंगा के तट का आनंद उठाए, क्योंकि जब लोग आते हैं पूरे विश्व से, तो लोकल लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है, उत्तराखंड को फ़ायदा होता है। लोग जब आते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ खाते हैं, कहीं घूमते हैं, कहीं जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उपयोग में लाते हैं। तो सबका कर्तव्य है कि हम अपने पूरे वातावरण को स्वच्छ रखें, क्योंकि स्वच्छ वातावरण होगा तो निश्चित रूप से ज़्यादा लोग आएंगे, ये बात पक्की है। इसलिए हमें ऐसा प्लान करना है कि अपने अपने संकल्प को मजबूत करना है कि हम सब मिलकर अपने आसपास को स्वच्छ रखेंगे, फिर योग के माध्यम से संदेश देंगे कि अब सफाई योग, योग तो करो लेकिन अब सफाई योग की शुरुआत हो, हनुमान चालीसा पढ़ो लेकिन एक सफाई चालीसा पढ़ो, ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से स्वामी जी आगामी 2019 में कुंभ होने वाला है इलाहाबाद में, उस कुंभ को लेकर यूपी के विधानसभा में एक मुद्दा चला था और पूरे देश में चल रहा है कि अर्धकुंभ और कुंभ को लेकर राजनीतिकरण हो रहा है, तो ऐसे में आप देखिए अर्धकुंभ और महाकुंभ ये इस मकसद से थे कि समाज में पिछले छः साल में या 12 साल में जो भी घटता था उस पर मंथन हो, उस पर चिंतन हो, लोग वहाँ भक्ति करने के लिए आते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि अब समय आ गया है, अपनी अपनी भक्ति करो लेकिन देशभक्ति पहले हो, तो कुंभ के माध्यम से भी राष्ट्रभक्ति का संदेश हो, हम राष्ट्र को पहले सामने रखें, हमारा हर त्यौहार, हमारा हर मेला, हमारा हर उत्सव इस भाव से हो कि उत्सव के बाद एक संकल्प हो कि हम अपने राष्ट्र को महान बनाएंगे, और उसको महान बनाए रखने के लिए पहले हमें खुद को महान बनाना होगा, खुद को जगाना होगा, खुद को आगे बढ़ाना होगा, और आगे बढ़ाना अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए, राष्ट्र के लिए। इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम नमः। इसलिए तो आप देखिए योगी जी जो हमारे हैं वो बड़े प्यारे संत हैं,